फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉकर। यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें कि हम बात करेंगे जेंडर के बारे में। क्या हार्ट बीट से पता चल सकता है कि होने वाला बच्चा गर्ल है या बॉय है, इस पर आज हम बात करेंगे। और रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, डॉक्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं और पुराने ज़माने के लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी होती है और प्रेगनेंट होते ही महिलाओं के दिमाग में ये चलने लगता है कि होने वाला बेबी गर्ल है या बॉय है। इसको लेकर बहुत एक्साइटेड होती हैं, कई तरह की चीज़ें भी ट्राई करती हैं और हमारे आसपास के लोग भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि अगर आपकी स्किन बहुत ग्लोई हो रही है तो आप एक लड़की को जन्म देने वाली हैं, या आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या आपका बेबी बम्प जो है आगे से निकला हुआ है तो फिर आप लड़के को जन्म देंगी चपटा है, या फिर आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है तो एक लड़की को जन्म देने वाली हैं। इस तरह के अनुमान पहले से ही लगाए जाते हैं और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि क्या कहते हैं पुराने लोग और कैसे पता लगाते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मुझे पता चली कि हार्ट बीट से भी पता चल सकता है कि होने वाला बच्चा जो लड़की है या लड़का है। तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो ये वीडियो इसीलिए बनाई। तो फ्रेंड्स, रिसर्च कहती है कि हार्ट बीट से कुछ हद तक पता लगाया जा सकता है कि होने वाला बच्चा लड़की है या लड़का है, लेकिन ये कब पता लगाया जा सकता है और इसके लिए क्या कंडीशन होती हैं, कितनी टाइम बाद ये सभी चीज़ें होती हैं और हार्ट बीट हम कैसे सुन सकते हैं, हार्ट बीट आती कब है, ये सारी चीज़ें आज आपको पता चलेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो फिर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे ही होंगे और ये बात रिसर्च में साबित हो चुकी है कि कुछ चीज़ों से ये पता चल सकता है, लेकिन इसकी 100% गारंटी कोई नहीं लेता है कि होने वाला बेबी गर्ल है या बॉय है। ये 50-50 चांस होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले तो हम ये जान लें कि कोई भी प्रेग्नेंट होती है तो उसका जेंडर कब तय होता है। फ्रेंड्स, शुरुआत के 3 महीने जो होते हैं वो शुरुआत के 3 महीने के बाद ही जेंडर का पता चलता है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसमें क्रोमोसोम या जेनेटिक जो फैक्टर होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको पता ही होंगे XX मतलब गर्ल और XY यानी बॉय, तो ये चीज़ें होती हैं। अगर XX से मिलता है क्रोमोसोम जो जिन्हें हम बोलते हैं, वो XX क्रोमोसोम होता है तो होने वाला बच्चा लड़की होती है और XY होने पर लड़का होता है। तो ये चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये जैसे ही आप कंसीव करते हैं वैसे ही डिसाइड नहीं होती, ये क्रोमोसोम जरूर डिसाइड हो जाते हैं लेकिन उनके ऑर्गन जो बनते हैं वो 3रे महीने में बनना शुरू होते हैं और वो भी इतने क्लियर नहीं होते कि आप सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड से यह पता लगा सकें कि होने वाला बच्चा जो है लड़की है या लड़का। तो शुरुआत में जो भ्रूण होता है वो सारे ही भ्रूण जो हैं एक जैसे होते हैं, इसीलिए भी आपको अल्ट्रासाउंड कराने की जब भी कहते हैं तो फिर वो 10 हफ्ते बाद ही आपको बोलते हैं कि आना। अब हम बात करते हैं हार्ट बीट की। तो हार्ट बीट से कैसे पता लगा सकते हैं, हार्ट बीट कब आती है और हम इसे कब सुन सकते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो जब आपकी सोनोग्राफी हो रही है, अल्ट्रासाउंड हो रहा है, उस टाइम पे अगर हार्ट बीट तेज है तो इसका मतलब है होने वाला बच्चा जो है लड़का हो सकता है। अगर हार्ट बीट स्लो है तो होने वाला बच्चा लड़की हो सकती है। फ्रेंड्स, हार्ट बीट सुनाई देना कब शुरू होती है, तो फ्रेंड्स 6 सप्ताह के बाद में अल्ट्रासाउंड मशीन में या सोनोग्राफी मशीन में जो है हार्ट बीट सुनाई देने लगती है, पर ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपको 6 सप्ताह बाद ही हार्ट बीट आने लगे। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो प्रेगनेंसी है वो रुक गई हो या आगे बढ़ नहीं रही हो, या फिर जो प्रेगनेंसी है उसकी दिशा यूट्रस की दिशा जो है बच्चे की दिशा जो है सही नहीं है, इसके कारण से भी आपको हार्ट बीट सुनाई नहीं देती। तो ऐसे में गायनिक आपको 1 सप्ताह का और समय देते हैं और उसके बाद दोबारा से आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं और हार्ट बीट सुनते हैं जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाती। तो क्लियर होने पर ही आगे की प्रोसेस शुरू होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जेंडर कब बनता है।
फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने कहा ये 2 महीने के बाद ही बनता है, तो 10वें सप्ताह में ये बनने लगता है, ऑर्गन इनके बनने लगते हैं। लेकिन 10वें सप्ताह में ये इतने क्लियर नहीं होते जितने कि 20 सप्ताह में हो जाते हैं। तो 20 सप्ताह में आपको क्लियरली समझ में आने लगता है कि होने वाला बच्चा लड़की है या लड़का है। तो फ्रेंड्स, अब हम उन टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं जो कि आपको 100% गारंटी देते हैं आपके जेंडर को पता करने की। इनमें होता है, ये सभी जो टेक्निक होती हैं वो किसी न किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से या कॉम्प्लिकेशन की वजह से यूज़ की जाती हैं। तो ये बिल्कुल भी आपको ये नहीं बताएंगे कि केवल आप ये पता करने के लिए आपकी हेल्प नहीं करेंगी कि होने वाला बच्चा लड़की है या लड़का है, क्योंकि इससे गराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर इनमें अगर आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करती हैं तो एबॉर्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सभी जो है लैब परीक्षण होते हैं, और जिसमें एमनियोटिक द्रव होता है, फ्लूड होता है, उससे पता करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं और जेंडर का पता कर सकते हैं। दूसरा होता है एक विशेष तरह का ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसमें कि जेनेटिक फैक्टर देखे जाते हैं, क्रोमोसोम देखे जाते हैं, और उनसे भी पता किया जा सकता है कि होने वाला बच्चा गर्ल है या बॉय है। इसके अलावा CBC परीक्षण से भी पता किया जा सकता है कि होने वाला बच्चा गर्ल है या बॉय है। तो ये इसके बारे में जानकारी थी। तो अगर आप सोनोग्राफी करा दी और हार्ट बीट को देख के आप ये सोचती हैं कि होने वाला बच्चा लड़का ही है या लड़की है, तो बिल्कुल श्योरिटी इसकी नहीं है, 50-50% चांस होते हैं। तो आप एक अंदाज़ा मात्र लगा सकती हैं कि होने वाला बच्चा लड़की है या लड़का है। तो आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।